हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द मास्टर थ्योरम, लेकिन जो क्वेश्चन है वो मैं पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग लेके जा रहा हूं ताकि हम मोर केसेस को सॉल्व कर सकें। अब यहां पे इस क्वेश्चन में टी एन इज इक्वल टू एन बाय टू प्लस सी। सबसे पहले ए की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 1, बाय डिफॉल्ट 1 ही है। बी की वैल्यू देखो कितनी है, 2। एफ एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी, दैट इज कॉन्स्टेंट। चाहे 1 लिख लो, 2 लिख लो, सिंपल यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब देखो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, yes. तो यानी इस पे मास्टर मेथड हम लगा सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है मास्टर मेथड का, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एन पावर लॉग बी ए इंटू यू एन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एन पावर लॉग बी बेस इज 2 और a की वैल्यू कितनी है, 1 u n, जिसको आप क्या लिख सकते हो, n पावर log 2 1, मतलब log 1 क्या होता है, 0, n की पावर 0 u n, n की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की हम यहाँ पे पावर अगर लिखें तो पावर क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 1, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, u n ही आंसर आ रहा है, यानी मेरे को u n कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे u n कैलकुलेट करने के लिए हमें h n कैलकुलेट करना पड़ेगा, और h n क्या होता है, f n डिवाइडेड बाय n log b a, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो f n देखो, यहाँ पे f n की वैल्यू कितनी है, c, constant, divided by n log b, that is 2, a is what, 1, जैसा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, c divided by n की पावर क्या हो जाएगा, log 1, 0, मतलब c divided by 1, which is c itself, मतलब constant value आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखो, case number 1 क्या कह रहा है, n की पावर r, r greater than 0, लेकिन यहां पे तो मेरे पास कोई भी पावर नहीं आ रही, यहां पे तो वैल्यू ही जीरो आ रही है, तो यानी मेरा ये केस भी नहीं बन रहा, लेस देन जीरो वाला नहीं बन रहा, तो अब मेरे को थर्ड केस ही बनाना पड़ेगा। थर्ड केस बनाने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली यहां पे कुछ वैल्यू नहीं आ रही, तो थर्ड केस बनाने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा लॉग बेस 2 एन की पावर 0 इंटू सी। आप लिखना चाहते हो साथ में सी भी लिख लो, देखो सी इंटू लॉग एन की पावर 0, पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, तो 1 डॉट सी मतलब सी ही आपका आ रहा है, लेकिन हमने इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, तभी ये वाला केस बनेगा, क्योंकि ये दो केस तो बन ही रहे और 3 के अलावा कोई और केस ही नहीं है, तो यानी मेरे को थर्ड केस ही यहां पे बनाना पड़ेगा, तो लॉग एन की पावर 0। अब अगर ये वाला केस बन रहा है एच एन, तो यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू एन क्या बनेगा, यू एन क्या है, लॉग 2 एन 0 i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी है यहां पे, 0, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 व्हिच इज लॉग n इटसेल्फ, मल्टीप्लाई में क्या है, c एज इट इज आ रहा है, तो यहां पे देखो आंसर क्या आ रहा है, un का log n, तो log n को अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, मतलब un की जगह पुट करता हूं, तो ऑब्वियसली log n बेस 2 c साथ में मल्टीप्लाई में है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि c तो कांस्टेंट ही है, तो यानी आपका आंसर क्या आया, log n आया। तो इस तरीके से जो है हम जनरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग द मास्टर मेथड। आपको बस चेक करना है कि तीनों में से कौन सा केस बन रहा है। तो ये एक्चुअल में रेकरेंस रिलेशन किसका है, बाइनरी सर्च का रेकरेंस रिलेशन है। तो बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ log n। तो इस टाइप की और प्रॉब्लम्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर एक फाइल आपको मिलेगी, उस फाइल में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, ताकि आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। थैंक यू।